हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल मॉडल प्लेसमेंट सर्विस में। जी हाँ, वी आर अ फ्री जॉब्स प्रोवाइडर। दोस्तों ये जो लाइन है ना, यही हमारा टैग लाइन है कि हम जो भी जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। किसी से कोई भी चार्जेस किसी भी तरीके का नहीं लिया जाता। कई कैंडिडेट्स होते हैं जो फिर भी उनको समझ में नहीं आता इतनी वीडियो बनाने के बाद, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप कहीं और किसी और कंसल्टेंसी में चले जाइए, हमारे पास मत आइए अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है। तो हम पे जिनको ट्रस्ट है वो ये वीडियो आगे कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। या दोस्तों आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पहले ही वीडियो बनाई थी वर्क फ्रॉम होम की और 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। सेलेक्ट तो 48 के करीबन हुए थे, लेकिन 25 जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो आज आपके लिए फिर से वर्क फ्रॉम होम वाली एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा था। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, हर एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। अगर आप सारे पॉइंट्स में क्लियर करते हो तो आप वैकेंसी पे अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद आपके दो इंटरव्यू होंगे, दो राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे और आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट में जॉब, वो भी वर्क फ्रॉम होम परमानेंट जॉब। तो क्या है, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो वॉइस प्रोसेस में कंफर्टेबल हो, मतलब कॉलिंग में कंफर्टेबल हो। सीडीएस आप बात कॉलिंग में जो कंफर्टेबल है, कॉलिंग में कंफर्टेबल हो, ठीक है। मिनिमम हमें 12th पास कैंडिडेट चाहिए, जिसने 12th पास कर रखी हो, ठीक। तीसरा जो यहां पर सैलरी का ब्रैकेट है वो है 13,500 से 18,500 के बीच में, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर कोई 25 भी कंपनीज में जाके ले रहा है तो 4-5 हजार का खर्चा उसका वैसे ही हो जाएगा, और आपको घर बैठे बैठे जॉब मिल रही है तो फिर फायदा किस में है, जब आप घर में बैठ के सारा खर्चा आपका बच रहा है। अगर आप घर से बाहर निकल जाते हो तो 100 का नोट खत्म हो जाता है, और अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो 100 का नोट अगले दिन 200 हो जाता है, क्योंकि अगले दिन भी अगर आप बाहर जाओगे तो फिर से 100 खत्म होंगे। तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी ही ऐसी है जहां पे आपको हर तरफ से सेविंग ही होगी। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको शेयर करता हूं। सैलरी वाइज अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप आगे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जॉब की जो टाइमिंग है दोस्तों, इसमें यह है रोटेशनल शिफ्ट। रोटेशनल मतलब कभी आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगी, कभी आपको आफ्टरनून शिफ्ट मिलेगी, कभी आपको इवनिंग मिलेगी, कभी आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी। तो ये रोटेशनल है। नाइट में वैसे कॉल्स वगैरह कम आती हैं तो उनका बेनिफिट है जिनके पास नाइट शिफ्ट है, लेकिन फिर भी कई कैंडिडेट कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, रोटेशनल शिफ्ट रहेगी और रोटेशनल वीक ऑफ रहेगा। वीक ऑफ मतलब कभी आपका मंडे हो सकता है, कभी थर्सडे हो सकता है, कभी फ्राइडे हो सकता है, कभी संडे हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोसेस, इट्स डिपेंड ऑन योर टीम लीडर कि वो आपको कब आपका वीक ऑफ शेयर करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें एज का क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों अप टू 38, मतलब 38 से ऊपर की एज है आपकी तो अप्लाई ना करें। 30 अंडर 38 की एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले बैच में जो मैं अप बैच आपके लिए लेकर के आया हूं, इसमें अंडर 35 की एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम शुड बी 18 क्रॉस हो वो आधार कार्ड पे या 10th की मार्कशीट पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा। तो आपका डेजिग्नेशन यहां पर रहने वाला है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। आपका काम क्या रहेगा, जैसे आपने सामान परचेस किया फ्लिपकार्ट से, आपने नहीं, किसी कस्टमर ने सामान परचेस किया फ्लिपकार्ट से, वो सामान में कुछ मिस्टेक्स आ गई, या सामान वो गलत साइज रिसीव हो गया, या गलत प्रोडक्ट आ गया, या प्रोडक्ट डैमेज है, या कुछ भी है एनीथिंग, तो वो कस्टमर केयर को कॉल करेगा, वो कस्टमर सपोर्ट वाले रहोगे आप उससे बात करोगे, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इट्स नो सेल्स, यहां पे कोई सेल्स नहीं है, ना ही कोई टारगेट बेस्ड जॉब है, और ना ही कोई आपको ऐसा टारगेट मिलेगा कि आपको इतनी कॉल्स करनी है, इतनी कॉल्स पिक करनी है। इट्स अ प्योरली कस्टमर केयर वॉइस प्रोसेस। तो आपके पास कॉल्स आएंगी या कुछ कॉल्स आपको करनी पड़ेगी, कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसमें अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी सैलरी, पहले मैं सैलरी का थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी रहेगी 13,500 से 15,500 के बीच में, और अगर आप एक्सपीरियंस हो
15,500 से लेके 18,500 के बीच में, डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे और आपके जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इन सब पे। अब जो एडिशनल कंपनी की रिक्वायरमेंट है, भाई देखो फ्लिपकार्ट कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, इंडिया में नंबर वन ई कॉमर्स वेबसाइट है। अभी किसी कैंडिडेट का मेरे को कमेंट भी आया था कि अगर किसी के पास गुड इंग्लिश है और उसके पास लैपटॉप है तो वो इतनी कम सैलरी पे जॉब क्यों करेगा। दोस्तों कंपनी क्या होती है ना, फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो कंपनी पहले उन्होंने मार्केट में रिसर्च करी होगी कि इस सैलरी पैकेज पे मुझे कैंडिडेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उनकी एक रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम होगी, एचआर टीम होगी, उन्होंने पहले रिसर्च की होगी, अगर उनको लगा कि कैंडिडेट मिल रहे हैं तो ही वो हम लोगों को ये वैकेंसी शेयर करते हैं, अदरवाइज कंपनी नहीं करती है। तो सबको मैं क्लियर कर दूं कि आप अप्लाई नहीं करोगे तो दूसरा अप्लाई करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा अप्लाई करेगा, और पहले ही बैच में 48 कैंडिडेट्स में 25 की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लिमिटेड वैकेंसी चल रही है, एक हमारी कंसल्टेंसी हायर नहीं कर रही है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स हायर हो रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, नेगेटिविटी से दूर रहो और जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। आगे बढ़ते हैं, मेरी बातें कुछ पॉइंट खराब भी होते हैं, मेरी बातें ऐसी भी लग सकती है जो आपको चुभ जाए, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट बोलता हूं। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो वीडियो को जा सकते हो, लेकिन वो लोग देखते रहे जिनको आपको अपना करियर बनाना है। मैं कुछ बातें ऐसी भी बोल देता हूं बीच में कि हो सकता है वो आपको चुभ जाए, तो उसको इग्नोर करो, उसको सुनो, इग्नोर करो और उसको इंप्लीमेंट करो। ये नहीं कि आप किसी और की बातें सुने जा रहे हो और आपको यहां भी वही चीज देखने को मिल रही है, नहीं, हमारी वीडियो जो होगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बिल्कुल सही होगी। आगे बढ़ते, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर नहीं है तो इंटरव्यू नहीं होगा। लैपटॉप i5 का प्रोसेसर होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि मोबाइल से आप नेट कनेक्ट कर रहे हो, नहीं, इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर देंगे, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। i5 प्रोसेसर, वाईफाई 40 Mbps की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, विंडो 10 होनी चाहिए या विंडो 11 होनी चाहिए, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो, और यूएसबी हेडफोन होना चाहिए, यूएसबी वाला हेडफोन आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपके पास हैं या आप अरेंज कर सकते हो तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। सबसे मेन चीज यहां पर चाहिए हमें गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश वाले कैंडिडेट ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। गुड इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि मैं एक्सीलेंट की बात कर रहा हूं, मैंने केवल गुड इंग्लिश बोला है, जो कस्टमर से इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सके, कस्टमर से इंग्लिश में बात कर सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ऐसे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी का प्रोसेस है, हम कोई अपनी तरफ से प्रोसेस नहीं बनाते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि सर गुड इंग्लिश वाले कैंडिडेट क्यों चाहिए, हिंदी वाले भी चाहिए, देखो ये सब फालतू की बातें हैं, कंपनी को जो रिक्वायरमेंट्स है वही हम उनको दे सकते हैं। आप हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी हम और वीडियो बनाते रहते हैं, आप वीडियो चेक कर सकते हो। तो देखो दोस्तों जितनी मैंने आपको लाइनें बताई हैं, अगर आप उन सब चीजों में कंफर्टेबल हो तो फ्लिपकार्ट वर्क फ्रॉम होम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू से पहले हम आपको क्वेश्चन शेयर करते हैं जो एचआर वहां पे पूछता है। तो अगर आप 99% अगर आपका सिलेक्शन हो रहा हो, 1% से रिजेक्ट भी हो रहा, तो वो हम क्वेश्चन वगैरह वहां पे शेयर कर देते हैं आपको और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने पहले 1-2 बैचों में देख लिया है कि एचआर वहां पे क्या क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उन कैंडिडेट्स को शेयर करो जो गुड इंग्लिश हैं और जिनके पास लैपटॉप वगैरह है, उनको शेयर करो ताकि वो इस वैकेंसी पे अप्लाई करें। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हमारे पास अभी लास्ट बैच में जम्मू कश्मीर से भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, हैदराबाद से भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये मैं 1-2 कैंडिडेट का बता रहा हूं जिन्होंने जिन पे मेरी नजर पड़ी थी एक्सेल में, क्योंकि मैं कॉलिंग नहीं करता हूं, हमारी टीम बैठी है कॉल करने के लिए, वही आपकी कॉल पिक करेंगी, वही आपको फाइनल डिसीजन देंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और मिलता हूं आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।